हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शर्मा। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर सेवन्थ में त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर हम सीखेंगे सर्वांग समता नियम पढ़ेंगे। इसके अंदर सर्वांग समता नियम आप शुरू से छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि सर्वांग समता नियम में कौन कौन से होते हैं। एक तो सर्वांग सम होता है, एक समरूप होता है। तो मैं थोड़ा सा हिंट के तौर पर बता दूँ आपको कि जो सर्वांग सम के जो रूल्स हैं वो एक तो SS नियम है कि नहीं है। SS नियम, साइड साइड साइड, भुजा 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 नियम। फिर अगला आता है एंगल एंगल, और ऐसे ही साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और एंगल एंगल साइड, या फिर RHS रूल। RHS का मतलब समकोण करण और भुजा, जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, हाइपोटेनस में होगा, भुजाएं होंगी, करण होगा। तो इन चीज़ों के बारे में अपन इसमें स्टडी करेंगे। दो त्रिभुज होंगे, उन दोनों त्रिभुजों को अपने को क्या करना है, सर्वांग सम करना है। और सर्वांग सम का जो साइन होता है वो इस तरीके का होता है, और समरूप में जो होता है वो अपना इस तरीके का होता है, सिमिलरिटी जिसको बोलते हैं अपन। अब सर्वांग समता नियम के अंदर हम दो त्रिभुज लेंगे, दोनों त्रिभुजों के अंदर ऐसी चीज़ें देखेंगे जो सेम कॉमन चीज़ें हैं। तो इसमें करना क्या है, देखें, मैंने पहले से ही क्वेश्चन लिख लिए जिसे टाइम ज़्यादा अब जाना होगा। तो यहाँ देखें, फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इस चैप्टर के बारे में मैं ज़्यादा विस्तार पूर्वक इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपने एट्थ में ही पढ़ा था, सेवन्थ में भी पढ़ा है सर्वांग समता नियम। तो ये अपने लिए एक नया नहीं है टॉपिक, पुराना टाइप का ये एक तरीके से। तो इसलिए हमें दो त्रिभुजों को लेकर के उसको सर्वांग सम करना है। तो ठीक है, तो देखें, चतुर्भुज ACBD में AC बराबर है AD के, और AB जो है वो कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, इट मीन्स बाइसेक्ट कर रहा है उसको। तो ट्रायंगल ABC और सर्वांग सम है ट्रायंगल ABD के। तो इस चीज़ों को हम सर्वांग सम करके बताना है। तो हमें क्या क्या करना होता है, पहले देखो, आपको ड्राइंग दिया हुआ है, पहले आपको लिखना होता है दिया है, गिवन डैट दिया हुआ ये है कि चतुर्भुज ACBD में AC बराबर है AD के, और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, AB कोण A को समद्विभाजित करता है, ये हमें दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के, ये हमें सिद्ध करना है। अब फिर क्या करते हैं, रचना, रचना जब हमने इसमें कुछ की नहीं तो लिखेंगे नहीं, फिर सीधा आते हैं प्रूफ, उपपत्ति जिसको बोलते हैं आप। तो उपपत्ति कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमें जो ट्रायंगल दिए हुए उनको ही लेना है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में। पहला पॉइंट, तीन कंडीशन लेनी होती है अपने को। पहली कंडीशन तो आप देखो इसमें दी हुई है क्या, यस, AC बराबर AD। दूसरा पॉइंट आपको दे रखा होगा क्या, CAB कोण CAB बराबर कोण DAB, क्यों, कि कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, कोण A को समद्विभाजित करता है। तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो होगा, AB बराबर AB उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों त्रिभुजों को जोड़ रहा है AB और AB। अगर इसको मैं हटा दूं तो AB का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जैसे हम इसको जोड़ते हैं तो AB इसका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो रूल कैसे पता चलेगा, इसके मैंने एंगल का साइन लगाया, एंगल का साइन ये होता है और साइड का कुछ नहीं होता, तो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया साइड। तो SAS सर्वांग समता नियम से, SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के, ये लो, इति सिद्धम। आगे होगा समझे किस तरीके से करना होता है, एक बार फिर से देख लें। आपको सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ACBD में AC बराबर है AD के, और AB कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, समान दो भागों में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ देखें, इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। पहले दिया हुआ देखें कि क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज ACBD में AC बराबर है AD के, और AB कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, बाइसेक कर रहा है। प्रूफ करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। प्रूफ देखें, उपपत्ति जिसको बोलते हैं अपन,
एसी बराबर एडी जो कि हमें दिया हुआ है। एसी बराबर एडी क्या है, दिया है, गिवन है। एंगल सीएबी और एडीएबी क्यों किया, क्योंकि ये इन दोनों त्रिभुजों क्या कर रहा है, समान भागों में विभाजित कर रहा है। फिर एबी बराबर एबी उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट था। फिर एस ए एस नियम से क्या हुआ, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीडी से क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। ये अपना पहला क्वेश्चन था, बहुत इजी सा है। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा आपको कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है जिसमें एडी बराबर है बीसी के, ये दिया हुआ है, और एंगल डीएबी सीबीए के भी बराबर है, ये भी हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एबीडी है वो सर्वांग सम है क्या बीएसी के, या बीडी बराबर है क्या एसी के, एंगल एबीडी बराबर है क्या एंगल बीएसी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखें किस तरीके से, पहला क्या करेंगे अपन, दिया हुआ लिखेंगे। तो देखें क्या करना है, इसमें दिया है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एडी बराबर है बीसी के और एंगल डीएबी बराबर है सीबीए के, ये दो चीजें हमें ऑलरेडी दे रखी हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करो त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम है क्या त्रिभुज बीएसी के। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज बीएसी में पहला पॉइंट तो ये रहा एडी बराबर बीसी, दूसरा पॉइंट एंगल डीएबी बराबर है एंगल सीबीए के, ये दोनों के दोनों हमें दिए हुए थे। तीसरा पॉइंट सामने दिख रहा है आपको, कौन कौन सा देखो, एबीडी एबीसी दोनों में एक पॉइंट सेम चल रहा है, एबी एबी दोनों का आधार बन रहा है, तो एबी बराबर एबी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों जगह स्थित है। तो ऐसे एस नियम लगा, ऐसे एस नियम से त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम है त्रिभुज बीएसी के। जब भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो दूसरा जो पॉइंट है बीडी बराबर एसी और तीसरा एंगल एबीडी बराबर है बीएसी के, क्यों हो गए, ये दोनों के दोनों सीपीसीटी नियम लग गया। सीपीसीटी नियम क्या होता है, कोरस्पोंडिंग कोंग्रेंट ट्रायंगल, मतलब संगत भुजा के संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ऐसा इसका नियम है। सीपीसीटी नियम से दोनों क्या हो गए, ऑटोमेटिक सिद्ध हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने इस त्रिभुज को क्या कर दिया, सर्वांग सम कर दिया। ओके फिर से देखें, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर है बी सी के, एंगल डी ए बी है वो सी बी ए के बराबर है। तो ये दो त्रिभुज दे रखे, उनको सर्वांग सम करना अपने को। तो सर्वांग सम करने के लिए देखो दिया हुआ है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए डी बराबर है बी सी के और डी ए बी बराबर है सी बी ए के, है ना। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है बी ए सी के। तो यहाँ देखें त्रिभुज ए बी डी में ए डी बराबर हो गया बी सी के और डी ए बी बराबर हो गया सी बी ए के। तो ए बी बराबर ए बी क्यों, उभयनिष्ठ था और ये दोनों अपने को दिए हुए थे। तो ऐसे ऐसे नियम लग गया और दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। फिर बी डी बराबर ए सी और ए बी डी बराबर बी सी क्यों किए सर, क्योंकि सी पी सी टी नियम लगा। सी पी सी टी होता है कॉन्ग्रेंट कोरस्पोंडिंग कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, अर्थात संगत भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसा हमने नियम पढ़ा है। क्या बोला कि संगत भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया, दोनों भुजाओं को या कोणों को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ओके ठीक है, ये अपना सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, सर्वांग सम करने हैं आपको दो त्रिभुजों को देख करके। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपको ये दिया हुआ है, ऐसा कोई त्रिभुज है और इन त्रिभुजों में ए बी सी डी और यहां पे ओ है, ठीक है, ए रेखाखंड ए बी
वह ए डी बी सी दो बराबर लंब है, और सी डी सिद्ध करना है कि सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है, ए बी रेखा को समद्विभाजित करता है, ये मिश्रित करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर से बोल देता हूँ एक बार कि क्या क्या है इसमें। इसमें ये बोला है ए रेखाखंड ए बी, ए रेखाखंड ए बी और ए डी और बी सी को दो बराबर लंब रेखाखंड है। देखें क्या दिया हुआ है, दिया है कि ए बी जो लंब है वो बी सी पर है, और बी ए जो लंब है वो किस पे है, ए डी पर। इसको लंब से रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने, ओके। और ए डी भुजा बराबर बता रहा है बी सी के, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करो, सिद्ध अपने को ये करना है इसमें कि सी डी है, सी डी जो भुजा है वो ए बी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है क्या। सी डी ए बी रेखा को समद्विभाजित करता है, ऐसा निश्चित करना है। अर्थात एक तरीके से बताया जाए तो ए ओ बराबर बी ओ हमें सिद्ध करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है। इसमें दो त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको, कौन कौन सा, एक तो ओ बी सी और एक ओ ए डी दिख रहा है ना, इन दो त्रिभुजों को लेंगे, त्रिभुज ओ बी सी व त्रिभुज ओ ए डी में पहली कंडीशन साफ नजर आ रही है क्या, एंगल बी और एंगल ए 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, देखो परपेंडिकुलर हो रहा है ना 90 डिग्री। दूसरी कंडीशन भी नजर आ रही है क्या, कि ए डी सॉरी बी सी, बी सी भुजा बराबर है ए डी के, ऐसा हमें दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट ये रहा, ये दोनों कोण कौन से होते हैं, शीर्षक मुकोण होते हैं, ऐसा हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, कोण वाला जो चैप्टर पढ़ा था है ना, वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ऐसी जो आकृति होती है वो कौन सी होती है, शीर्षक मुकोण, कौन कौन सी, बी ओ सी और ए ओ डी, शीर्षायुमुख कोण। तो कौन सा नियम लग गया, ए ऐसे रूल, ए ऐसे नियम से, ए ऐसे नियम से त्रिभुज ए ओ बी सॉरी ए ओ डी, ए ओ डी सर्वांग सम है किसके, बी ओ सी के। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो यहाँ से थर्ड साइड क्या निकल के आती है कि ए ओ है ना, ए ओ वो बी ओ के बराबर है, क्यों, सी पी सी टी नियम से। और सी पी सी टी नियम मैं दो बार बता चुका, सर्वांग समता नियम या संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये चीज़ है। तो त्रिभुज इति सिद्धम हो चुका है, हमें ये सिद्ध करना था इसमें, ठीक है। फिर से देखें, सिद्ध करना है सी डी ए बी रेखा को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, ऐसा ड्राइंग हमें ऑलरेडी बुक के अंदर दे रखा है, जिसके अंदर आपको फिगर चित्र नंबर दे रखा हो तो आपको ऐसा समझिए कि वो एग्जाम में भी मिलेगा ऐसा, ठीक है। और जिसमें चित्र नहीं लिखा होगा तो उसमें आपको खुद को बनाना पड़ेगा चित्र, ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा कैसे बनाया जाता है, तो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखो दिया हुआ था कि ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पर और बी ए परपेंडिकुलर है ए डी पर, ए डी बराबर बी सी का, तो सिद्ध करना था सी डी ए बी रेखाखंड को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो ए ओ बराबर बी ओ सिद्ध कर दिया। ओ बी सी में त्रिभुज ओ ए डी ले लेते हैं, ओ बी सी और ओ ए डी ले लेते हैं, पहला तो साफ साफ नजर आ रहा है ए डी भुजा बी सी के बराबर है, ऐसा क्यों दिया हुआ था। फिर ए और एंगल बी दोनों किसके थे, 90 डिग्री कोण बना रहे थे, तो ये भी कंप्लीट हो गया। फिर तीसरी जो चीज़ थी अपने पास वो क्या, ये दोनों जो कोण है वो कौन से हैं, शीर्षायुमुख कोण है, कौन से कोण है, शीर्षायुमुख कोण है, तो ये वजह से हो गया, ठीक है। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन था, ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे अपन अभी। फोर्थ
फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, इस तरीके से को ड्राइंग है, और इसमें जो दे रखा है ए बी सी डी, ये एल है और ये एम है, और यहाँ पे पी और क्यू है, यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू, ठीक है। अब हमें क्या क्या दे रखा है, एल और एम, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखा पी क्यू का एक अन्य प्रतिच्छेद बिंदु हो रहा है। देखो पी और क्यू को प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद का मतलब काटना, ठीक है, इंटरसेक्ट करना। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी को क्या करना है, सर्वांग सम करना है अपने। तो किस तरीके से करेंगे, देखो बी सी बराबर ए डी है और क्या दिया हुआ है, देखो पहले क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, दिया है कि L व M दो समांतर रेखाएं जिस पर P व Q दो समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करो कि त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी सर्वांग सम है क्या त्रिभुज बी सी ए के, ये त्रिभुज हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम करना है सी डी ए के, ये सिद्ध करना है, सी डी ए के। तो देखिए किस तरीके से करेंगे अपन, दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज सी डी ए और वह त्रिभुज ए बी सी में सर्वांग सम करना है। वह सर्वांग समता का नियम पता ही आपको क्या करना होता है, पहला पॉइंट तो बी सी बराबर है ए डी के, दूसरा कारण क्या लिखना है, एंगल बी है वो एंगल डी के समांतर चतुर्भुज से, क्योंकि समांतर चतुर्भुज हो रहा है एक तरीके से, तो इनके दो कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, समद्विभाजक कर रहे हैं, और बी सी भुजा क्या होगी, बी सी भुजा ए डी के बराबर होगी, बी सी भुजा ए डी के बराबर होगी। और तीसरा पॉइंट साफ साफ नजर आ रहा है, ए सी बराबर ए सी क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों को जोड़ रहा है, तो कौन सा नियम लगा, एस एस, क्योंकि साइड एंगल साइड, एस एस नियम से त्रिभुज सी डी ए सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है, अर्थात सी डी ए जो है वो सर्वांग सम है किसके, इसमें कुछ अलग चीजें पूछनी थी, त्रिभुज ए बी सी के, इति सिद्धम, लो हो गया, इतना इजी टॉपिक है बहुत, इसमें आपको बस दो त्रिभुजों को देख करके सर्वांग समता नियम लगाना है। सर्वांग समता नियम का बहुत सा इजी सा तरीका है कि आपको पहले तो क्या कर दिया जाएगा, या तो भुजाएं दे दी जाती है दिया हुआ में, वो ये अपन उसमें उतार देते हैं, फिर दूसरा अगर वो नहीं मिलता है तो हम ऐसा देखते हैं कि क्या कोई 90 डिग्री बन रहा है, या कोई शीर्षन्मुख कोण बन रहा है, या कोई एकांत कोण बन रहा है, तो या कोई संगत कोण बन रहा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन को क्या करना है, करना है सर्वांग सम करना है। तो देखें एक बार फिर से देख लें इसको, L और M दो समांतर रेखाएं P और Q को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और प्रतिच्छेद करने के बाद में हमें सिद्ध करना था कि सी डी ए सर्वांग सम होता है क्या त्रिभुज ए बी सी के, और प्रूफ देखें त्रिभुज सी डी ए व त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर है ए डी का, ऐसा हमें समांतर चतुर्भुज की कंडीशंस के बारे में पता है, ऐसे बराबर भुजाएं होती हैं, कोण बी डी के बराबर होता है, और तीसरी लाइन ए सी को क्या कर रहा है, उभयनिष्ठ कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें होने के बाद में हमने यहाँ पे सर्वांग समता नियम के बारे में पढ़ा, सर्वांग समता के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, इसी तरीके से हम आगे इसके बारे में और स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।